इट्स वेलकम टू माई चैनल एवी रॉक स्ट्रीम्स। एंड यहाँ पर एक मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा कोपा सुडा अमेरिकन लीग का, जो कि यूडीडी वर्सेस सीआरटीएच के बीच मैच होने वाला है। एंड बात करें देन, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की देन यूडीडी एंड सीआरटीएच के अंदर जो मैच हो रहा है इसके अंदर, गाइज मैं सबसे पहले तो फेवर करना चाहूँगा सीआरटीएच को, क्योंकि सीआरटीएच के सारे मेन खिलाड़ी की वापसी हो चुकी है। अब वो खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, क्योंकि पिछला मैच जो सुडा अमेरिकन लीग में हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि सीआरटीएच ने इनको कैसे हराया। और अभी हफ्ता पहले की बात है, वो अभी हफ्ता हुआ है और इन्होंने यूडीडी को 1-0 से हरा दिया था। वो इनका फर्स्ट मैच था, अब ये सेकेंड मैच है एक ही हफ्ते के गैप में। तो मेरे को तो लगता है कि प्रेशरलाइज्ड होगी टीम। तो सबसे पहले मैं इन प्लेयर्स की बात करूँ तो देखिए, वेलरा को तो अब मैं करूँगा गिनती में लो मत, क्योंकि वेलरा को रेड कार्ड मिल गया था 12 जुलाई को। तो रेड कार्ड हैंड ओवर के बाद फिर खिलाड़ी खेलेगा तो नहीं, इसलिए वेलेरा तो खेलने से रहा। अब वेलेरा की जगह कौन है मैं आपको बताता हूँ, वेलेरा की जगह एल उरुती है, और एल उरुती हमेशा अपने जोर में रहता है, हमेशा खेलने का तरीका इसका नेक्स्ट लेवल है। बेचारे को येलो कार्ड मिल गया था तो जिस कारण इनको इसको जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया, उनको डर था कि इसको रेड कार्ड ना मिल जाए, बट रेड कार्ड वेलेरा को मिल गया, ठीक है, क्योंकि होता रहता है, ये तो फुटबॉल गेम है तो ऐसी झटपट होती रहती है। एंड आर ग्यूट्स की बात करें तो ग्यूट्स को इन्होंने पिछले मैच में भेजा नहीं, उसके अगले मैच में इन्होंने भेजा था जो ब्राज़ीलियन सीरिया लीग की एक टीम का मैच था, तो मुझे लगता है उसमें ग्यूट्स और यूरी अल्बर्टो ने गोल भी किया था। तो बट आज खेलते कि नहीं ये नहीं पता। सो अभी आप ऐसा कीजिए, ग्यूट्स को लीजिए। ग्यूट्स के बाद एफ अगस्टो की अगर मैं बात करूँ, इसका जो गोल आया था ना वो प्लेइंग 11 गोल था। तो अभी आप ऐसा करो, एफ अगस्टो को ले लो। मान लो अपनी टीम में आज आपका आर ग्यूट्स नहीं खेलता, तो आपने वाई अल्बर्टो को, या वाई अल्बर्टो भी नहीं खेलता तो आपने स्ट्राइकर लेने हैं। ये गलती मत करना कि बाकियों की तरह अपना स्ट्राइकर निकाल के मिडफील्डर या डिफेंडर ले लो, क्योंकि स्ट्राइकर के बदले स्ट्राइकर लेना पड़ेगा, भले वो पेड्रो खेले भले वो कोई भी खेले। मेरे हिसाब से तो पेड्रो भी नहीं खेलेगा, वो इंजर्ड हो चुका था लास्ट मैच में, तो इनको किसी ना किसी मेन खिलाड़ी को भेजना ही पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा मन है, मैं सच्ची चाहता हूँ कि एफ अगस्टो भी ना खेले। मेरा जो मन है, मेरा मन चाहता है कि ग्यूट्स और एल्बर्टो को चांस देना चाहिए इस मैच में। और मिडफील्डिंग की अगर बात करें तो पिछले मैच में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ए फरेरा सॉर्ज है मेड्रिड वगैरह को चांस दिया, जबकि इनके सारे प्लेयर फिट हैं, ऐसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये अभी चलाएं, अभी चाहे सारे हर खिलाड़ी को खिला सकते हैं, इनका रॉजर्स फिट है, सारे फिट है, बट अभी खिलाएंगे कि नहीं ये मैं नहीं जानता। इसलिए अभी आप क्या कीजिए, जो पिछले मैच में खेले थे ना 12 जुलाई को, जो अब इसमें एक बंदे ने परफॉर्म बड़ा बेटर किया था, जिसका नाम ये है, ये आपका जो खिलाड़ी है जिसका नाम है गुइलियानो। अब गुइलियानो काफ़ी पुराना प्लेयर है और मैंने आपको कहा था कि गुइलियानो खेला तो ज़रूर लेना, क्योंकि गुइलियानो मेन प्लेयर रह चुका है। आज इस बंदे की सिलेक्शन 0 है, बहुत जल्द आप 90 से कम नहीं देखोगे। एंड आगे से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ गाइस एंड्रिड को, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाती कि ऊपर से कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, तब तक रिस्क लेना बेकार है। और बात रही नीचे से जिस खिलाड़ी का नाम है एडसन, तो एडसन का भी अभी नहीं पता, क्योंकि एडसन फ्रेरा वैसे अच्छा है, अगर आपने एडसन को ले लिया तो आपको मैथ्यूज एंड्रिड छूट जाएगा। बट ये याद रखना, अगर एंड्रिड छूटा तो एक आधी सिर से हाथ धो बैठोगे, इसलिए फ्रेरा को लेना ले लो। फ्रेरा में क्या कि गोल चांसेस डायरेक्ट बन जाता है, तो फ्रेरा का थोड़ा सा रिस्की है, बट रिस्क कैसा है, अगर रिस्क चल गया तो जीत जाओगे। और ए पोलो को यहाँ पे लूँगा, जो यूडीडी का एक खिलाड़ी है, और यूडीडी का एक खिलाड़ी है उरेना, ये दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी है। तो ये भी बहुत अच्छा, इनका एक खिलाड़ी है जिसका नाम है नेल्सन, ये बहुत अच्छा खेलता है। एक और खिलाड़ी जिसका नाम है पियरो, ये एवरेज खेलता है। अब सबको तो नहीं ले सकते, इसलिए उरेना के साथ तो आपको सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि उरेना बहुत बेटर है। उरेना के बाद जो अगला खिलाड़ी पोलो, पोलो तो सब लोग लेंगे, तो पोलो अगर 10-15 पॉइंट एक्स्ट्रा दे गया ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। एंड बात करें डिफेंडिंग की, यहाँ पर देखिए किस पिछले मैच में किसी भी बड़े खिलाड़ी को नहीं खिलाया, तो इन्होंने बी मैंडिस जो इनका एक सही खिलाड़ी है, मैंडिस के बाद आर रैमस को भेजा था। रैमस के बाद ना बिडू खिलाड़ी ने ना एक्चुअली बहुत अच्छा खेला, 77 मिनट के अंदर पूरी टीम का नक्शा बदल दिया सामने वाली, जबकि विक्टर एंड्रेड भी खेल रहा था वो नहीं चला, क्यों, क्योंकि आजकल थर्ड डिफेंडिंग चलती है, इसलिए मैं बिडू को लूँगा। एंड बात करें गोल कीपिंग की, तो गोल कीपिंग के अंदर डी रोमैरो, आपको पता ही पिछले मैच में रोमैरो था। और बात करें कैप्टन की, तो जो मेरा कैप्टन है वो है गाइस आर ग्यूट्स अगर खेला, और वाइस कैप्टन है एफ अगस्टो। अगर कुछ भी चेंज होता है, मान लीजिए मेरे दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं खेलते, या एक खेलता है या एक नहीं खेलता, तो आपने बदल कर जो भी दूसरा स्ट्राइकर होगा उसको ही कैप्टन वाइस कैप्टन रखना है, गलती मत करना। ईजी मैच है, सी आर टी एच के फेवर में ही रहना, जीत जाओगे, ईजी मैच है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।